बच्चों नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा मल्टीप्लेक्सर का और डी मल्टीप्लेक्सर का। देखिए मल्टीप्लेक्सर का जो आपका और डी मल्टीप्लेक्सर का फर्स्ट डिफरेंस है वो आप उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए बता सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर को हम MUX से डिनोट करते हैं और डी मल्टीप्लेक्सर को हम इस तरह से या कई जगह इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। मल्टीप्लेक्सर हमारा N:1 होता है जबकि डी मल्टीप्लेक्सर हमारा 1:N होता है, जिसमें इनपुट्स और आउटपुट में डिफरेंस होता है। यह हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस हो गया इसका एप्लीकेशंस। तो आप इनकी एप्लीकेशंस ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं इनमें बता सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैथ्स में, कंप्यूटर साइंस में। डी मल्टीप्लेक्सर हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या इसका पर्पज़ होता है। तो इस बेसिस पे आप मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल जानने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी डिटेल वीडियो देखिए। थैंक यू।